हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसे मैं होप करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है जो हम सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और बहुत ही इजी डेफिनेशन उसकी पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सिक्स क्लास से पढ़ा है हमने। डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर गवर्नमेंट को पीपल के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। ओके, सो यही पढ़ते आए हैं, लेकिन रियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स और डेमोक्रेसी सच में क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, इसके सपोर्ट में, इसके अगेंस्ट में आंसर, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो वन शॉर्ट रिविजन हम करेंगे इस चैप्टर का, सो दैट सारे पॉइंट्स आप कवर कर पाओ और आपको ये लगे कि हाँ अब ये चैप्टर जो है मेरा पक्का हो गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन, व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार वन मार्क में आ भी जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं। सो हियर यू कैन सी कि हाउ यू कैन राइट योर आंसर इन वन मार्क क्वेश्चन। सो द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। सो यहाँ पर डेमोक्रेसी में हम बात ही करते हैं लोगों की और रूल्स की। ठीक है, सो यहाँ पर डेमोक्रेटिया मीन्स होता है पीपल एंड डेमोक्रेटिया, डेमोस मीन्स होता है पीपल एंड क्रेटिया मीन्स होता है रूल। ओके, सो जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअली क्या है, ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको इलेक्ट किया जाता है किसके थ्रू, पीपल के थ्रू, एंड इट इज द बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी भी होनी चाहिए कि भाई जो हमारे लीडर्स बनने वाले हैं, जो गवर्नमेंट में आने वाले हैं, तो उनके जो है पॉलिटिकल इक्वालिटीज भी होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अलग अलग कास्ट के, कि नहीं भाई हमारी कास्ट का ही लीडर बनेगा। सो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इसके जो रूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब एप्लीकेबल होने चाहिए, राइट। सो अब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो कैसे फॉर्म होती है, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव से। ठीक है, मान लीजिए, अब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ एक्चुअली डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी इट्स लाइक कि अगर कोई आपके सामने गुलाब जामुन रखा है, तो जब तक उसको टेस्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि उसका टेस्ट कैसा है, नहीं पता चलेगा ना कि बहुत ज़्यादा मीठा है या ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं या इलायची भी है, नहीं पता चलेगा। तो डेमोक्रेसी भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है बेटा, जिसको आप पढ़ते तो आ रहे हो, लेकिन अभी हम अब जाकर के नाइन्थ में इस वाले पोजीशन पर आ गए हैं जहाँ पर हमें डेमोक्रेसी को टेस्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली डेमोक्रेसी क्या होती है। इट इज़ नॉट ओनली द डेफिनेशन ऑफ वन लाइन, इवन इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। ऑल राइट, सो अगर हम कहें तो केवल इलेक्शन करवाने से डेमोक्रेसी हो जाती है क्या, नहीं, सिर्फ इलेक्शंस करवाने से डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट बनेगी, जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, जिनसे गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो सब इलेक्ट होने चाहिए किसके थ्रू, पीपल के थ्रू। तो एक्चुअली ये हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, सो रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और रिप्रेजेंटेटिव्स भी ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल फ्री टू लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है कि लोगों को पैसे देकर के वोट करवाए जा रहे हैं या थ्रेटनिंग करके वोट करवाए जा रहे हैं। सो इट शुड नॉट बी दैट, इट शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऑल राइट, एंड सिटीजन्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं जो वोट देते हैं, उनके पास राइट होता है टू अपोज एंड सिटिजाइज एनी गवर्नमेंट एक्शन एंड पॉलिसी। ठीक है, उन लोगों के पास राइट तो होता है, बट उस राइट का यूज सोसाइटी में हो रहा है नहीं हो रहा है, इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए और फेयर इलेक्शंस एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि सिटीजन्स को ये मौका नहीं मिले, मतलब लोग जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस के लिए, उनको या तो अपोज करें या फिर उनको क्रिटिसाइज करें। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इलेक्शंस में बाय द रूल। ओके, सो अब सिटीजन्स को ये राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज द मोड ऑफ प्रोटेस्ट इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ। अब हर जगह कानून तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो कानून के अंदर, मतलब कानून के दायरे में जिसे हम बोलते हैं, सो अंडर द लॉ जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस, कुछ मर्यादाएं होती हैं जो लोगों को फॉलो करने होते हैं। ऑल राइट, नाउ अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी।
तो मैं आपको तीन ऐसे एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है, मैक्सिको, पाकिस्तान एंड फिजी के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर आपको बाहर बाहर की दुनिया से लगेगा कि वाह यार यहाँ पे तो बिल्कुल प्रॉपरली इलेक्शंस हो रहे हैं और डेमोक्रेसी है इस कंट्री में। बट मैं कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे ये बिल्कुल डिनायल हो जाता है, इससे बिल्कुल ये खारिज हो जाता है कि वो एक्चुअली रियल डेमोक्रेसी, फेयर डेमोक्रेसी जिसे हम बोलते हैं, वो है ही नहीं, वो फीचर डेमोक्रेसी का है ही नहीं। और इन्हीं एग्जाम्पल्स के थ्रू यू विल गेट टू नो कि डेमोक्रेसी के एक्चुअली रियल फीचर्स क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। सो अब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर 1999 की, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। सो उन्होंने क्या करा, डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस करवाए गवर्नमेंट से ही और खुद को जो है वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया। ओके, मतलब पूरी जो पाकिस्तान थी, पूरी जो कंट्री थी, उस पर वो खुद ही राज करने लग गया, खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया, खुद को ही डेमोक्रेटिकली उसने क्या करवाया, इलेक्शंस भी करवाया। अब आगे मैं आपको उसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। सो इन 2022 ही हेल्ड अ रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम होता है कि जैसे कि मान लीजिए आज भी कई जगहों पर अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो माँ बाप क्या करते हैं, लड़का पहले से ही देख दुखा करके और बस उसे पूछ लेते हैं हाँ या ना, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए, जबकि डिसाइडेड होता है कि उसी से शादी होगी। सो इट वॉज लाइक दैट, रेफरेंडम होता है बस लोगों से फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया भाई हाँ या ना में जवाब देना है, कोई उन्हें वोट नहीं देना है, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है, जस्ट इट्स अ रेफरेंडम उनका, हमने वो ले लिया भाई कि हाँ लोगों ने हाँ बोल दिया, मतलब अपने ही फेवर में सारे आंसर्स ले लिए। ओके, सो इन 2022 ही हेल्ड अ रेफरेंडम दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। इट वॉज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। सो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब कुछ फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस के थ्रू हुआ था, इसमें कोई प्रॉपर इलेक्शंस नहीं हुए थे, लोगों से जस्ट रेफरेंडम करवाया गया था, हाया नामे आंसर ले लिया गया था और खुद का जो गवर्नमेंट का जो टेन्योर था उसका वो उसने 5 years तक और एक्सटेंड करवा लिया था। ऑलराइट, फिर उसके बाद 2002 अगस्त में उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को इशू किया। अब ये क्या, किस CDI का नाम है? सो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो होता है वो उसमें ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उस कंट्री का, वो किसी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है, उसके पास ये राइट होता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। सो इसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो असेंबलीज के या कोई भी प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं या जो भी कंट्री के आपके नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उन सबको वो डिसमिस कर सकता है। तो उसने वो भी इशू कर दिया, जारी कर दिया अगस्त 2002 में। ओके, नाउ द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। फाइनल पावर रेस्ट विद जनरल मुशर्रफ। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ओनली कुछ ऐसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी जो वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स रन कर रहे थे, बाकी जो पूरा सिस्टम था पाकिस्तान का वो कौन रन कर रहा था, जनरल मुशर्रफ ही रन कर रहा था। सो अब यहाँ पर जो है हमारा पहला फीचर निकल करके आता है डेमोक्रेसी का, और वो क्या है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से होनी चाहिए, ना कि कोई रेफरेंडम हम करवा लें या फिर ऐसे कोई पावर जो अपने लाइक अपनी पावर्स को यूज करके या अपने ओहदे को यूज करके अपने टाइम को एक्सटेंड करवा ले, ठीक है, क्योंकि उसको डर रहता है कि अगर फिर से इलेक्शंस हुए तो कहीं मैं अपनी पोजीशंस को खो ना दूं, हारने का डर। सो ऑलराइट, फर्स्ट फीचर क्या आ गया हमारा कि जो इलेक्शंस होते हैं इट शुड बी इन फ्री एंड फेयर मैनर्स, इट शुड बी हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर्स। ऑलराइट, सो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, जिसमें हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है ये पाकिस्तान का। तो आप सेकंड एग्जांपल देखते हैं भाई, चाइना में कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है वो देखते हैं। सो अब चाइना में क्या होता है, चाइना में हर 5 साल में इलेक्शंस को रखा जाता है, रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो उस इलेक्शंस का जो नाम होता है, जो कंट्रीज के जो पार्लियामेंट करता है उसको क्या बोलते हैं,
क्वांग्यो रेमिनम डायबियो धाउई, कुछ भी नाम ठीक है, लेकिन नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये एक पार्टी का नेम है। अब जैसे हमारा पार्लियामेंट देखो, हमारे पार्लियामेंट में तो आप कह सकते हो कि हमारा पार्लियामेंट एक बुके की तरह, फ्लावर बुके की तरह है, जिसमें आपको बीजेपी भी मिलेगी, कांग्रेस भी मिलेगी, आम आदमी पार्टी भी मिलेगी, और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी आपको मिलेगी, ठीक है। सो वहाँ पर जो है एक ही पार्टी है, और वो कौन सी है, क्वांग्यो रेमिनम डायबियो धाउई, ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। सो हर 5 साल में जो है कंट्रीज के पार्लियामेंट के लिए वहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है। सो नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, प्रेसिडेंट उन्होंने चूज कर लिया। तो नियरली 3000 मेंबर्स जो हैं वो पूरे चाइना से इलेक्ट होते हैं, और जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो किससे इलेक्ट होते हैं, आर्मी से इलेक्ट होते हैं, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। सो अब जब इलेक्शंस को करवाया जा रहा है, सो बिफोर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सो ये यहाँ पर एक आता है कि भाई उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल की जरूरत होती है। ये तो वही बात हो गई, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि अगर भाई ठीक है तू हिंदू है तो हिंदू वालों से तुझे अप्रूवल मिल जाएगा कि तू एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस में लड़ सकता है, या फिर तू मुस्लिम है तो तू चला जा, ये वैसी बात हो गई। इन्होंने पूरा डिस्क्रिमिनेट कर दिया है, राइट। सो जो गवर्नमेंट है वो हमेशा किसके थ्रू बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू ही बनेगी। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि लोग जो हैं राइटफुली अपने इलेक्शंस में अपना वोट दे रहे हैं, बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक न्यू फीचर निकल करके आया है डेमोक्रेसी का, और वो क्या है, वो फीचर ये है कि जो फाइनल डिसीजंस होंगे वो जो इलेक्टेड है, जो पर्सन इलेक्टेड है वही लेगा, ना कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी उस डिसीजन को लेगी। सो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू, तो अब डिसीजंस भी इसी के रहेंगे भाई। तो उस जो आदमी को खड़ा किया बेचारे को, उसको तो बोल देंगे, अब अपने इंडिया में भी वो एग्जाम्पल है, बट मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट आप समझ गए होंगे। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके। जो इलेक्ट हुआ है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, और जिसने वो पोजीशन को पाया है वही डिसीजन मेकर होगा गवर्नमेंट से रिलेटेड का, कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होगी, ठीक है। ये सेकंड फीचर हमने देखा किसका, डेमोक्रेसी का। नाउ अब मेक्सिको में क्या हो रहा है ये देखते हैं। सो इंडिपेंडेंस, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है भाई, हर 6 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं, किसको चूज करने के लिए, प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए। सो जो मेक्सिको कंट्री है वो कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर्स रूल के अंडर नहीं रहती है, ठीक है। वहाँ पर जो है इलेक्शंस तो हो रहे हैं हर 6 साल में, लेकिन फिर भी उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, क्यों, वो मैं आगे आपको समझाती हूँ। सो क्या हुआ, अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय पार्टी कॉल PRI, PRI की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उल्टा सुलटा है लेकिन यही है ना, कोई बात नहीं, हम पीछे से पढ़ेंगे, पार्टी रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल, ओके। सो वहाँ पर एक पार्टी है, एक ही पार्टी है केवल, वो कौन सी है, PRI। सो ऑपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन, ये वही वाली बात होगी कि भाई आप कास्ट के थ्रू जो है, कम्युनिटीज के थ्रू जो हो, क्या कर रहे हो, बांध रहे हो, ठीक है, अपना तुम थ्रेटनिंग कर रहे हो, फेयर इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवा रहे हो, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी, ओके। एक ही पार्टी है PRI, और उसी का दबदबा मेक्सिको में रहा है। सो व्हाट वाज PRI, सो ये ध्यान रखना कि उल्टी इसका जो फुल फॉर्म है, पार्टी रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ओके। सो अब जो PRI है उसको किस नाम से, मतलब हमेशा से किसके लिए जाना जाता था, कि उसकी डर्टी ट्रिक्स की वजह से, कि जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर्टी गेम्स होते हैं, थ्रेटनिंग होती है, वायलेंस होता है, और इसी के थ्रू इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। सो टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI, मतलब इस हद तक होते हैं कि जो स्कूल्स में गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं, स्कूल के जो बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, तो उनको PTM में ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपकी बच्ची की परफॉर्मेंस ये, ये बोलेंगे अगर PRI को वोट नहीं किया तो तुम्हारा बच्चा फेल कर दूंगा, तो दैट इज द केस,
ठीक है। सो अब बहुत ही ज्यादा वहां पर मीडिया भी इग्नोर करती है एक्टिविटीज को, जो अपोजिशन पार्टीज जो होती हैं वो उनकी एक्टिविटीज को इग्नोर किया जाता है। सो इसीलिए वहां पर पूरा का पूरा जो काम है वो PRI के थ्रू ही रन होता है, एक ही पार्टी के थ्रू रन हो रहा है। Alright, so PRI shift polling booths at last minute and spend large sum of money in campaign for its candidates. So देख रहे हो पूरा घपला कर लिया और बोल रहे हैं कि हम लोग elections conduct करवा रहे हैं और हम एक democratic country है। So elections should be free and fair by the people. ओके, ऐसा नहीं कि एक ही कोई पार्टी है और वो अपने वायलेंस से तुमसे वोट ले रही है, तो दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी एट ऑल। तो ये फीचर भी समझ में आ गया आप लोगों को, चलो आगे बढ़ते हैं। सो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, सो इन अ डेमोक्रेसी ईच एंड एडल्ट सिटीजन को जो है एक वोट देने का पूरा पूरा हक है और उसके एक वोट की वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा होती है। सो एक ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, ग्रांट्स ए सिटीजन व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेटा व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सो यहाँ पर भी यही है कि एक आदमी एक वोट और वन वैल्यू। ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। सो ये बात नहीं होती, एडल्ट मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, डजंट मैटर, डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी देयर। चाहे लड़की हो या लड़का हो, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको वोट देने का राइट है। सो ये इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, जैसे सऊदी अरेबिया में वुमेन कांट वोट, सो ये नहीं होना चाहिए। और इन्हीं कंट्रीज को हम रियल डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी नहीं बोल सकते हैं। नाउ और एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर डेमोक्रेसी की फॉल्स डेफिनेशन को बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो एक्चुअली वही है जहां पर ये सारे फीचर्स अप्लाई होते हैं। ऑलराइट, सो एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। सो अब एस्टोनिया में क्या होता है कि इन्होंने रूल्स बना दिए हैं, खुद की सिटीजनशिप्स बना दी है और उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो लोग हैं रशियन माइनॉरिटीज हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किस लिए वोट देने में, क्योंकि उन लोगों ने अपनी सिटीजनशिप्स के रूल्स बना रखे हैं। सो ये वही डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इन फिजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस Fiji has more value than that of an Indian Fijian. अब इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो अब आप कह दो Fiji जो है एक आयरलैंड है ना, Fiji एक आयरलैंड है। सो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, अब हमारे इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था तो कुछ ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कुछ इंडियंस को हटा करके Fiji में रख दिया और वहाँ पर उनसे काम करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है। ऑलराइट, सो वो क्या हो गए, इंडियन फिजियंस हो गए। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो वहाँ पर जो इलेक्ट्रल सिस्टम होता है उसमें वही लोग एलिजिबल हैं या फिर एक इंडिजीनियस फिजी को ही वोट देने का राइट है, जबकि इंडियन फिजियन को जो वोट दे रहे हैं उनकी वैल्यू नहीं है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। राइट, सो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, Everyone should be equal in the eyes of law. Zimbabwe attained independence from white minority rule 1980. जैसे कि साउथ अफ्रीका में वाइट डिस्क्रिमिनेशन वाइट कलर को लेकर के होता था, वैसे ही जिम्बाब्वे में भी वाइट माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मिला है, वाइट माइनॉरिटी को ही इम्पोर्टेंस दी गई है, तो वहाँ पर भी 1980 तक ये रूल चला है और डेमोक्रेसी बिल्कुल भी फेयर नहीं है। सो सबका जो है लॉ जो है सबकी नज़र में, मतलब लॉ की नज़र एक होनी चाहिए और सबकी नज़र में लॉ एक होनी चाहिए। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉ जो है जो कानून है इसके लिए बदल जाएगा, इसके लिए बदल जाएगा, इसके लिए बदल जाएगा, नो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर डेमोक्रेसी की तो धज्जियाँ उड़ गई है। राइट, डेमोक्रेसी का फिर मतलब ही क्या रहा है। राइट, सो Which party of Zimbabwe led the struggle for independence? Which party भाई, आगे देखते हैं। ZANU-PF, ये पार्टी का नेम है बेटा। ZANU-PF पार्टी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है फ्रीडम मूवमेंट में, और किसके लीडरशिप में, रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो लीडर थे।
नाउ मुगाबे जो थे वो बहुत ही पॉपुलर थे और अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे इलेक्शंस के अंदर, मतलब कि वही घपले करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, वोट्स की हेराफेरी करना. सो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी. सो अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट आया है कि टाइम टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट मुगाबे एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल. सो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करवा दिया कि जो भी प्रेसिडेंट मुगाबे है उसकी पावर्स जो है इंक्रीज कर दी जाए और मेक हिम लेस अकाउंटेबल. सो इस तरीके से चीज़ें हो रही है. ऑल राइट, नाउ अब हम देखेंगे. अभी हमने समझा, एक क्वेश्चन हमने देख लिया, व्हाट इज डेमोक्रेसी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाई इट इज नेसेसरी एंड व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी. सो आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अभी सपोर्ट में पढ़ते हैं, फिर अगेंस्ट में भी इनको हम पढ़ेंगे. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक बेटर गवर्नमेंट होती है. क्यों? क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो एक अच्छी अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है जहाँ पर हर चीज़ तरीके से होती है, हर चीज़ के पीछे लॉज होते हैं, सेक्शंस होते हैं, तो वो बेटर एक गवर्नमेंट होती है. कौन सी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसी को एक रियल और फेयर मैनर में अप्लाई किया जाता हो. सो डेमोक्रेसी जो है वो क्या इम्प्रूव करती है? क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. अगर लीडर एक होगा बाकी के सारे, और लीडर के डिसीजंस में कोई फेयर अनफेयर नहीं होगा, लाइक कोई भी ऐसा नहीं होगा कि इसने बोल दिया इसलिए ऐसे बोल दिया या इसने बोल दिया ऐसे बोल दिया. उसके खुद के नॉलेज से, खुद के सेंस ऑफ ह्यूमर से, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द लॉज जो उसकी डिसीजन मेकिंग होगी वो भी इम्प्रूव होती है. राइट, क्वालिटी इम्प्रूव होती है. सो डेमोक्रेसी भी क्या करती है? डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के मेथड्स के साथ में अच्छे से डील करती है, अच्छे से उनको हैंडल करती है. सो इसलिए डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट है. नाउ डेमोक्रेसी क्या एनहेंस करती है? डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. क्यों? क्योंकि अगर वो वोट देंगे तो उनके वोट की वैल्यू होगी और उससे सिटीजन्स की जो है डिग्निटी वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी, एनहेंस होगी. डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. ये हमें अलाउ करती है कि हम जो है खुद की गलतियों को ही सुधार लें, जैसे तैसे सुधार लें. राइट, नाउ China's famine of 1958 and 1961 was the worst recorded famine in world history. क्यों? क्यों? सबसे worst recorded famine क्यों बोला गया है China famine of 1958-1961 को? क्योंकि 3 crore people जो हैं इस famine के during में मर गए. All right. एंड उन्हीं दिनों में इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी चाइना से, लेकिन फिर भी इंडिया ने जो है कभी भी फैमिन ऑफ इंडिया द काइंड चाइना है, इंडिया में कभी भी ऐसे फैमिन को नहीं लाया गया जैसे चाइना में हुआ करता था. इंडिया भी कर सकता था भाई, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छे नहीं हैं और अगर कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है तो फैमिन सिस्टम ले आओ, लेकिन नो, इंडिया में ऐसा नहीं किया गया. चाइना में उसकी वजह से ही तीन करोड़ लोगों की जो है जान गई थी. फैमिन आपको पता है ना, अकाल. ऑल राइट, चलो अब पढ़ते हैं अगेंस्ट में, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में. सो जो लीडर्स हैं वो चेंजिंग होते रहते हैं डेमोक्रेसी में, सो इससे इनस्टेबिलिटी आती है. ऑल राइट, इजी से पॉइंट्स हैं. एंड डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होते हैं वो पावर प्ले करते हैं, एंड उसमें मॉरलिटी का कोई स्कोप नहीं होता है, लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता है. जो लीडर्स होते हैं जो इलेक्ट किए गए हैं ऑलरेडी, उनको नहीं पता होता कि उनका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है लोगों के लिए, उनको कैसे लोगों के लिए काम करना है उनको नहीं पता होता, और उसी की वजह से बैड डिसीजंस क्रिएट होते हैं. राइट, कोई भी लीडर है कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, तो ये बैड डिसीजन सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा. एंड डेमोक्रेसी के लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन्स होंगे, इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन्स होंगे तो करप्शन भी बढ़ता चला जाएगा. एंड नाउ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अभी हम देखते हैं कि और ज़्यादा अच्छे से डेमोक्रेसी को कैसे समझ सकते हैं. सो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, डेमोक्रेसी इज वन इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लेजिस्लेचर्स. ओके, लोगों के द्वारा ही
लोगों के थ्रू ही लोगों को चूज किया जाए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाए फॉर लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग गवर्नमेंट. एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स इन टर्न फॉर्म द गवर्नमेंट एंड गवर्न इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. अ मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल. लोगों के बिहाफ पर आपको डिसीजंस लेने हैं. ऐसा नहीं है कि आपके लिए अच्छा हुआ कि यहाँ पर जो है एक रेलवे लाइन बना दी जाए, चाहे लोगों के गांव जो बसे हुए हैं लोग बेघर हो जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है. नो, लोगों का सोच करके, लोगों की अच्छाई के लिए आपको काम करना होगा. ऑलराइट, नाउ मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो फिजिकली इम्पॉसिबल है कि सब साथ में बैठ करके कलेक्टिव डिसीजंस को लें. ऑलराइट, सो नॉमिनल डेमोक्रेसी एंड आइडल डेमोक्रेसी. नॉमिनल डेमोक्रेसी और आइडल डेमोक्रेसी को देखते हैं. जो नॉमिनल डेमोक्रेसी होती है, एज वी नॉर्मली यूज द टर्म, रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स विच इज रन बाय द पीपल्स इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स. और आइडल डेमोक्रेसी में क्या होता है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर एक सिस्टम होता है जहाँ पर हर एक सिटीजन को एक इक्वल प्ले करना होता है, प्ले रोल करना होता है फॉर डिसीजन मेकिंग. मतलब उसका एक इक्वल रोल होगा. ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग रोल है, सबका एक जैसा रोल होगा डिसीजन मेकिंग के लिए. ऑल राइट, नाउ वन डज नॉट नीड जस्ट इक्वल राइट टू वोट, ओके, बट एवरी सिटीजन needs to have equal information. ऐसा नहीं कि उसको कुछ बता दिया, उसको कुछ बता दिया. सबको equal information का right है, basic education का right है, और equal resources का right है, और बहुत सारे commitments का right है जो सभी लोगों के लिए same होना चाहिए. अलग अलग discrimination जैसे लोगों के लिए नहीं होना चाहिए. मतलब society में caste के ऊपर, racial के ऊपर इनके according discrimination नहीं होना चाहिए. Now, the last point of this chapter, that is difference between the democratic form of government and dictatorship. क्या है? So, in this government, the ultimate power lies in the hands of the people and they play a very important role in the governing process. So, सबसे पहले हम देख रहे हैं democratic के बारे में. जो इसमें जो powers होती है लोगों के हाथ में, वो बहुत important role को play करती है. और इन्हीं लोगों के हाथ में ये power होती है कि वो सारे rules को जो है change कर सकते हैं elections के through, government को change कर सकते हैं. So, अब इस मामले में क्या है democratic में? लोग जो है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को एंजॉय करते हैं, एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, और बहुत सारी इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी लोगों के लिए आती है. और गवर्नमेंट भी जो है वन मैन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव यूज्ड पावर बाय फोर्स. मतलब अच्छे से गवर्नमेंट फ्रेम होगी, एक आदमी होगा और लोगों के ग्रुप होंगे हु हैव यूज्ड पावर ऑफ फोर्स, जो यूज करेंगे पावर ऑफ फोर्स को. राइट, सो अ डिक्टेटर, अब बात कर रहे हैं डिक्टेटर की. सो अ डिक्टेटर कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय वायलेंस और बाय मिलिट्री कूप. सो अ डिक्टेटर जो होता है वो रिमूव कर सकता है वायलेंस के थ्रू या फिर मिलिट्री कूप के थ्रू, ठीक है. और पीपल जो है फ्रीडम को एंजॉय नहीं करेंगे, किसी के पास फेयर राइट्स नहीं होंगे, इलेक्शंस फेयर नहीं होंगे, ना ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी. तो इस तरीके से हमारा व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी चैप्टर फिनिश होता है. एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था ये लास्ट पॉइंट है. सो आई होप अब आपको पूरे अच्छे से डेमोक्रेसी समझ में आ गई होगी. ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स.